वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। सूरत शहर में एक बार और एक हत्या से हड़कंप मच चुका है। शहर के उधना इलाके में एक कारीगर की हत्या के लाश मिलने के बाद से उधना पुलिस दौड़ती नजर आई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के कारण और हत्यारे को पता लगाने की क्वाइट शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार उधना क्षेत्र के दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्रियल गेट नंबर 2 के सुनसान स्थान पर एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना के बाद पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और जांच में पता चला कि युवक की हत्या हो गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला कि मृतक 34 वर्षीय महेंद्र शर्मा था और वह लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्री के एक खाते में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत। धारदार हथियार से गर्दन पर वार करने से उसकी हत्या कर दी गई और वह हत्या किसने किस कारण से की उसकी जाँच चल रही है। उधना इलाके में हुई हत्या घटना के बाद पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और शव का पोस्टमार्टम के लिए ले जाना और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने की शुरुआत कर दी। आज सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर हमारी जो उधना पुलिस स्टेशन की PCR है वो लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्री जो उधना पुलिस स्टेशन एरिया में है वहाँ पर पहुँची। तो C-134 नंबर का जो एम्ब्रॉयडरी का खाता है वहाँ पर सुपरवाइज़र के तौर पर नौकरी कर रहे थे जो महेंद्र शर्मा, जिनकी उम्र 34 ईयर है और कन्नौज UP के निवासी है, उनकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली है और उन पर किसी रीज़न से किसी ने हमला किया है और उनके बॉडी पर स्पेशली जो गला है वहाँ पर कुछ शार्प कट ध्यान में आए हैं और उसकी वजह से उनका वहाँ पर अवसान हुआ है। अभी जो हमारे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो भी शकमंद है उनको हम लोगों ने राउंड अप किया है और उनकी अभी पूछताछ चालू है। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, CCTV फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और जो भी साक्षी है उनकी भी पूछपरछ करने की हमारी कामगिरी चालू है, जिसके आधार पर जो भी हमारे सामने आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आज सुबह हम लोगों को करीबन 6-7 बजे के बीच में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मतलब ये है कि कल रात के 8-9 बजे के आस बाद में पूरी नाइट के दरमियान कभी ये बनाव बना हुआ है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद जय भारत।